गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक। निजी हॉस्पिटलों को कोरोना मरीज के इलाज के लिए तैयार रखने के दिए निर्देश। कहा, करनी है आम जन के जीवन की रक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव ने वेटलैंड के नियंत्रण के लिए विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली कार्ययोजना के प्रारूप को 25 अगस्त तक दिए जाने के दिए निर्देश। कहा, जल संचय और जल संरक्षण पर रहे विशेष ध्यान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने प्रवासी श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा एवं सर्वांगीण विकास पर की चर्चा। प्रवासी मजदूरों को स्वावलंबी बनाने के दिए निर्देश। लाइसेंसी देसी शराब की दुकान पर हुई लूट में शामिल चार साथी लुटेरों को गुलरिया पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 2 अदद देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 2 मोबाइल सहित 1090 रुपए नगद धनराशि, 1 पेटी देसी शराब और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल किया बरामद। SP नार्थ अरविंद पांडे ने किया खुलासा। सुमेर सागर ताल की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाकर अब शुरू हुआ सुंदरीकरण का कार्य। SDM सदर ने कहा, जल संरक्षण और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा सुमेर सागर ताल। कैंट पुलिस ने टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल 20,000 रुपए के 2 इनामिया शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 1 अवैध देसी तमंचा एवं जिंदा कारतूस, 7 ग्राम स्मैक किया बरामद। CO कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। शाहपुर और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लगाए गए लॉकडाउन का दिखा असर। लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दिया जा रहा है उचित परामर्श। SDM सदर ने दी जानकारी। गोरखपुर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 74 नए कोरोना पॉजिटिव मिले मरीज। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 1349। 690 मरीज स्वस्थ होकर जा चुके हैं अपने घर। जिले में इस वक्त 629 एक्टिव मरीज। अब तक कोरोना से 30 लोगों की हो चुकी है मौत। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध, छेड़खानी, दहेज उत्पीड़न और स्मार्ट पुलिसिंग सहित यातायात के नियमों की जानकारी देने के साथ कोतवाली सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का 3 दिवसीय कैप्सूल कोर्स के प्रशिक्षण का हुआ शुभारंभ। अनलॉक के नियमों का उल्लंघन करने वालों का पुलिस ने काटा चालान। दी हिदायत, कहा, नियमों का करें पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई। और देश के वीर सपूत क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उन्हें किया गया याद, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि।